तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पर नॉमिक्स ने एक डाटा आउट किया है और उस डाटा के अंदर सेबा इनू टोकन को लेकर एक बहुत बड़ी न्यूज सामने निकल कर आ रही है। फ्रेंड्स, मैं आपको जरा बता देना चाहता हूं, ये जो नॉमिक्स है वो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर एक बहुत बड़ी यानी थर्ड लार्जेस्ट क्रिप्टो वेबसाइट है, जहां पर बहुत ज्यादा वॉल्यूम होता है, जहां पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। तो फ्रेंड्स, ऐसे में इस न्यूज के अंदर सेबा इनू टोकन को लेकर क्या क्या बताया गया है, सारी बात मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। फ्रेंड्स, अगर आपने सेबा इनू टोकन के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो यह न्यूज़ जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो फ्रेंड्स, सीधा सा मतलब यह है कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव, जबरदस्त, लाजवाब, शानदार होने वाली है। पूरी बातें करने वाले हैं और साथ ही में सेबा इनू टोकन का टेक्निकल एनालिसिस भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मुझे टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से यहां पर देखने को मिल रही है। फ्रेंड्स, मेरा हमेशा एक ही यहां पर प्रयास होता है कि आपको अगर किसी मीम कॉइन के बारे में बताऊं तो वहां पर फंडामेंटल के आधार पर ही आपको सारी बातें ना बताई जाए, आपको यहां पर टेक्निकल एनालिसिस भी उस मीम कॉइन का बताया जाए। क्योंकि फ्रेंड्स, यहां पर बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स आपको केवल और केवल यहां पर न्यूज के आधार पर कुछ भी बता देते हैं मीम कॉइन्स के बारे में। लेकिन फ्रेंड्स, सच्चाई यही है कि जब तक आप टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर अपना ध्यान नहीं देंगे मीम कॉइन्स को लेकर, तो फ्रेंड्स आपको यहां पर मीम के अंदर बहुत बड़ा एक लॉस भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को जल्दी से आपके भाई के मोटिवेशन के लिए लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की गर्मा गर्म अपडेट यहां पर आपको मिलती रहेगी। और उसके साथ में नए YouTube चैनल और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, इन दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी के द्वारा पूछे गए एक सवाल का आंसर देना चाहूंगा। मैंने आज से कुछ दिन पहले सेबा इनू टोकन की एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो के थंबनेल पे मैंने सेबा इनू टोकन को लेकर यह बताया था कि सेबा टोकन की प्राइस एक रुपया और यहां पर 16 फेब की बात की गई थी। अब आप में से बहुत सारे फ्रेंड्स ने उस वीडियो को देखा नहीं और यहां पर लगातार नेगेटिव कमेंट्स किए जा रहे हैं। फ्रेंड्स, उस वीडियो को जरा जाकर देखिए, मैंने आपको क्या समझाया है कि सेबा इनू टोकन की प्राइस एक रुपया जाना है तो यहां पर कौन कौन से युद्ध सेबा इनू टोकन को लड़ने हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको यहां पर आंखें बंद करके कोई भी चीज नहीं बताता हूं। मुझे पता है कि एक ही दिन के अंदर सेबा इनू टोकन की प्राइस एक रुपया नहीं चली जाएगी। और फ्रेंड्स, यहां पर बहुत सारे यूट्यूबर्स यही बात बताते हैं आपको, केवल फंडामेंटल न्यूज के आधार पर सारी चीजें बता देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यहां पर किसी कॉइन की प्राइस बढ़ेगी तो इसके अंदर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस यहां पर टेक्निकल एनालिसिस का भी होता है। तो फ्रेंड्स, आप इसको जरूर ध्यान में रखें। फ्रेंड्स, अब मैं आपको लेकर चलता हूं सीधा स्क्रीन पर और वहां से मैं आपको पहले इस न्यूज के बारे में बताना चाहूंगा, फिर उसके बाद में टेक्निकल एनालिसिस को लेकर बात करेंगे कि शॉर्ट टर्म के लिए आपको कहां-कहां पर एंट्री लेकर एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो देखिएगा, देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली बात, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि मैं इस न्यूज के बाद में आपको एक और बहुत बड़ी न्यूज सेबा इनू टोकन को लेकर बताने वाला हूं, जो आपको किसी ने भी नहीं बताई होगी। फ्रेंड्स, वो न्यूज भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। देखिए, मुझे ये जो न्यूज प्राप्त हुई है वो टाइम्स टैब्लॉइड की तरफ से प्राप्त हुई है। और फ्रेंड्स, यहां पर इस न्यूज में बताया गया है कि जो सेबा इनू टोकन है वो कॉइनडेस्क की रैंकिंग के अंदर पांचवें स्थान पर देखने को मिला है। और फ्रेंड्स, ये जो रैंकिंग दी गई है वो वॉल्यूम के आधार पर दी गई है। और फ्रेंड्स, यहां पर जितने भी क्रिप्टो मार्केट के अंदर ट्रस्टेड एक्सचेंज है उनके ऊपर यहां पर सेबा इनू टोकन का वॉल्यूम कितना जनरेट हो रहा है उसी को लेकर यहां पर रैंकिंग निकाली गई है। और फ्रेंड्स, उस रैंकिंग में यहां पर सेबा इनू टोकन फिफ्थ नंबर पर आया है। फ्रेंड्स, आप यहां पर देख सकते हैं, सेबा इनू क्लेम्स फिफ्थ पोजीशन ऑन कॉइनडेस्क रैंकिंग बेस्ड ऑन वॉल्यूम ऑन ट्रस्टेड एक्सचेंज। फ्रेंड्स, आपको एक बात तो पता होगी कि कॉइनडेस्क यहां पर क्रिप्टो मार्केट में एक लार्जेस्ट क्रिप्टो वेबसाइट है। और फ्रेंड्स, इस पर जो न्यूज प्राप्त होती है वो बहुत ज्यादा ऑथेंटिक होती है। देखिए, यहां पर कॉइनडेस्क को ये जो डाटा प्राप्त हुआ है फ्रेंड्स, ये प्राप्त हुआ है यहां पर नॉमिक्स की तरफ से। और मैंने आपको नॉमिक्स के बारे में बताया है कि नॉमिक्स क्या है। यहां पर फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे, द फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ रैंकिंग मेथोडोलॉजी कैन बी founded here. The popular news website pointed out that volume data comes out from nomics. और friends, यहाँ पर nomics के बारे में तो आप सब जानते होंगे, और अगर नहीं जानते तो आप यहाँ पर देखिएगा, साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पर, the third largest crypto data website by traffic in the United States. तो friends, यहाँ पर इस nomics की तरफ से ये news प्राप्त हुई है। friends, यहाँ पर जितने भी trusted exchange है उनके ऊपर सेबा इनू टोकन का volume कितना आ रहा है इसको लेकर ये ranking निकाली गई है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। और friends, यहाँ पर देखिएगा, इन्होंने एक
एक बात बोली है सीबा टोकन के बारे में जो भी आप यहां पर देख सकते हैं। यहां पर लिखा हुआ है सीबा इनू द हॉटेस्ट मेम टोकन इन द क्रिप्टो मार्केट मेड द लिस्ट ऑफ टॉप 20 क्रिप्टो करेंसीज बाय ट्रेडिंग वॉल्यूम ऑन ट्रस्टेड क्रिप्टो एक्सचेंज इन द थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर ऑफ 2021। फ्रेंड्स यहां पर 2021 में कितना वॉल्यूम जनरेट हुआ इसको लेकर यहां पर यह न्यूज निकल कर आई है। और फ्रेंड्स इस न्यूज से यहां पर क्या समझना चाहिए वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। फ्रेंड्स यहां पर सीबा इनू टोकन ने अभी तो फिफ्थ पोजिशन बनाई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि 2022 के अंदर यह एक बहुत बड़ी अपनी यहां पर पोजीशन बना सकता है क्रिप्टो मार्केट के अंदर, क्योंकि फ्रेंड्स यहां पर बहुत मजबूती के साथ में सीबा इनू टोकन खड़ा हुआ है। यहां पर जितने भी लोग नए नए क्रिप्टो मार्केट में आ रहे हैं उन सबकी पहले यहां पर सीबा इनू टोकन के ऊपर नजर पड़ रही है। और फ्रेंड्स यह आप इस तरह से समझ लीजिए कि जो लोग यहां पर नए नए क्रिप्टो मार्केट में आ रहे हैं वो यहां पर सीबा इनू टोकन के चलते ही क्रिप्टो मार्केट के अंदर आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये यहां पर जो चीज दी गई है वो बहुत ज्यादा ऑथेंटिक है, और उसी के साथ में मैं भी लगातार सीबा इनू टोकन की रिसर्च पे लगा हुआ हूं। और फ्रेंड्स जैसे मुझे कोई न्यूज प्राप्त होती है मैं आप तक पहुंचाता हूं। देखिए फ्रेंड्स यहां पर अगर आप देखते हैं तो इन्होंने यहां पर ये एक टॉप 20 एसेट्स की एक लिस्ट दी है, और आप इसको देख सकते हैं 2021 क्वार्टर फोर्थ एंड क्वार्टर थर्ड को मिलाकर। और फ्रेंड्स अगर आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर बिटकॉइन के अंदर जो वॉल्यूम जनरेट हुआ वो इतना था। यहां पर सेकंड नंबर है इथेरियम का, थर्ड नंबर है यहां पर टेथर का, और फ्रेंड्स यहां पर आप देख सकते हैं फोर्थ नंबर यहां पर सोलाना का, और फ्रेंड्स यहां पर जो फिफ्थ नंबर है जो कि एक बहुत बड़ी बात है एक मीम कॉइन ने इस तरह से अपनी जगह बनाई है कि इसको एक फिफ्थ यहां पर पोजीशन मिली है। और फ्रेंड्स आप यहां पर देख सकते हैं इसने जो वॉल्यूम जनरेट किया है वो आपको देखने को मिल रहा होगा 62.16 बिलियन के आसपास है। और फ्रेंड्स यहां पर बताया गया है सोर्सेस कहां से प्राप्त हुई है आप यहां पर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये सारी चीज समझ में आ गई होगी। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहूंगा कि इस न्यूज से मुझे एक बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आती है कि कहीं ना कहीं सीबा इनू टोकन फिर से एक बहुत बड़ा धमाका कर सकता है। फ्रेंड्स यहां पर सीबा इनू टोकन पहले मीम कॉइन था, लेकिन अब यह मीम कॉइन से बढ़कर इसके यूज केस आने लगे हैं, और इसको यहां पर बहुत जगह पेमेंट के रूप में एक्सेप्ट किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स आपको इस न्यूज के बारे में पता चल गया होगा, यही एक बहुत बड़ी न्यूज थी और इस न्यूज को जानना भी आपके लिए जरूरी था। और फ्रेंड्स इसी टाइम्स टैबलॉइड की तरफ से एक और न्यूज मुझे प्राप्त हुई है अभी थोड़ी देर पहले, जो उस न्यूज के बारे में भी आपको मैं बताना चाहूंगा। देखिए फ्रेंड्स यहां पर आप देख सकते हैं इस न्यूज के अंदर बताया गया है टॉप इथेरियम वेल्स नाउ होल्ड 18.2 ट्रिलियन सिब टोकंस वर्थ अराउंड 2.7 बिलियन डॉलर। फ्रेंड्स यह एक बहुत बहुत बड़ी बात है कि यहां पर बहुत बड़े बड़े वेल्स अभी भी सीबा इनू टोकन को एक बहुत बड़े अमाउंट के साथ में। फ्रेंड्स यहां पर यह जो आप अमाउंट देख रहे हैं यह कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। अब जिन मेरे भाइयों ने सीबा इनू टोकन को बहुत ऊपर खरीद रखा है वो टेंशन में होंगे, और वहीं आप अगर यहां पर देखते हैं इस न्यूज को तो यहां से न्यूज से पता चलता है कि कितने बड़े बड़े वेल्स यहां पर सीबा टोकन को होल्ड कर रखे हैं। तो फ्रेंड्स यहां पर मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि अगर आपने सीबा टोकन को थोड़ा टॉप पर बाय कर रखा है तो अभी आप थोड़ा होल्ड रखिए। यहां पर जैसे यहां पर मार्केट के अंदर एक रिकवरी देखने को मिलेगी तो अपने को सीबा टोकन के अंदर भी एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिलेगी। अभी मार्केट के अंदर जब क्रैश आया था तब से लेकर सीबा टोकन की प्राइस अब तक लगभग 70-80% ऊपर भी देखने को मिली है। और फ्रेंड्स इसी पॉइंट पर आपको खरीदने के लिए भी मैंने आपको बोला था, उस वीडियो को देखिएगा, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और एक्जैक्ट इस पॉइंट के बारे में किसी ने भी नहीं बताया, और फ्रेंड्स इसी पॉइंट से यहां तक सीबा टोकन की प्राइस अभी चल रही है। अभी मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में सारी बातें बताना चाहूंगा, लेकिन आप इस न्यूज को देख लीजिएगा और यहां पर आप अंदाज लगा लीजिए कि यहां पर वेल्स किस तरीके से यहां पर सीबा टोकन को होल्ड कर रहे हैं और आपको क्या करना चाहिए। फ्रेंड्स मैं आपको सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि आप थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए सीबा टोकन को होल्ड रखिए। और फ्रेंड्स यहां पर सीबा टोकन को लेकर बहुत बड़ी बड़ी गुड न्यूज भी निकल कर आ रही है, बहुत सारे एक्शन पर लिस्ट किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स इन तमाम चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि सीबा टोकन 2022 के अंदर फिर से एक बहुत बड़ा धमाका मचा सकता है। हालांकि अभी प्राइस बहुत नीचे चल रही है और साइडवेज मूव कर रही है, लेकिन फ्रेंड्स इसी कंडीशन के अंदर यहां पर सीबा टोकन एक बहुत बड़ा पंप दिखा सकता है मार्केट रिकवर होने की स्थिति में। वैसे और सारी चीजें बिटकॉइन की प्राइस के ऊपर भी डिपेंड करने वाली है। अगर बिटकॉइन की प्राइस के अंदर डंप आएगा तो इसमें भी डंप देखने को मिलेगा, अगर पंप आएगा तो इसमें भी पंप देखने को मिलेगा, और ये सारी चीजें आप जानते भी हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं यहां पर आपको लेकर चलता हूं सीबा टोकन के टेक्निकल एनालिसिस की ओर, और वहां से मैं आपको सारी चीजें बताना चाहूंगा। तो देखिएगा, देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको यूएसडीटी के पेयर में सारी बातें बता देता हूं, फिर उसके बाद मैं आपको आईएनआर के पेयर में भी बता दूंगा। तो फ्रेंड्स आप सभी के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, यहां पर आईएनआर के पेयर में बता रहा हूं, यूएसडीटी के पेयर में बता रहा हूं, आप जो जो कह रहे हैं वो सब कुछ किया जा रहा है। तो प्लीज इस बात के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, अपने सभी फ्रेंड्स को बताइए कि सारी चीजें यहां पर एक साथ मिलती है, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब ये करेंगे। देखिएगा यहां पर यूएसडीटी के पेयर में अभी जो सीबा टोकन की प्राइस चल रही है वो 0.4x03116 के आसपास चल रही है। और फ्रेंड्स यहां पर टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीबा टोकन के अंदर यह देखने को मिल रही है 4 आवर के टाइम फ्रेम पर, कि यहां पर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है, आप इस तरह से देख सकते हैं। और फ्रेंड्स सबसे मजे की बात यह है कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल
चार्ट पैटर्न दो होते हैं, एक होता है बियरिश और एक होता है बुलिश। लेकिन फ्रेंड्स यहां पर जो चार्ट पैटर्न बन रहा है वो बुलिश बन रहा है। और देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं, बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न के लिए यहां पर सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि एक शार्प अप ट्रेंड होना चाहिए, फिर उसके बाद में यहां पर दो तीन रेजिस्टेंस होनी चाहिए, दो तीन सपोर्ट होनी चाहिए, और वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसी यहां पर इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। देखिए यहां पर रेजिस्टेंस मिल रहा है आप यहां पर देख सकते हैं, और यहां पर सपोर्ट मिल रहा है आप यहां पर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहां पर प्रेजेंट टाइम पर सीबीआरएम टोकन की प्राइस इस तरह से सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न के इस छोर तक आ चुकी है। तो फ्रेंड्स अगर अब सीबीआरएम टोकन के अंदर इस तरह से डंप देखने को मिलना है तो एग्जैक्ट इसी लेवल तक प्राइस देखने को मिल सकती है, और ये लेवल है 0.402870 के आसपास। और फ्रेंड्स इस तरह से वापस से आपको प्राइस इसी के अंदर देखने को मिल सकती है और इस तरह से मूव कर सकती है। और फाइनली अगर इसका ब्रेकआउट होता है यहां पर यह बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न यहां पर काम करता है अच्छी तरीके से तो फ्रेंड्स सीबीआरएम टोकन की प्राइस के अंदर एक पंप देखने को मिल सकता है और आपको इन लेवल्स तक सीबीआरएम टोकन की प्राइस देखने को मिल सकती है, जिसके अंदर यह लेवल है 0.4032 के आसपास का, और यह लेवल है 0.4003469 के आसपास का, और यह लेवल है 0.4003715 के आसपास का। देखिएगा अब यहां पर इस तरह से प्राइस ऊपर देखने को मिली है, लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ा सेलिंग परिस्थिति था जिसके चलते प्राइस अभी प्रेजेंट टाइम पर इसी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन के आसपास अपना सपोर्ट बना रही है। अगर यहां पर सपोर्ट बनाती है तो फ्रेंड्स यहां से भी आपको सीबा की प्राइस इस तरह से इस लेवल के आसपास वापस देखने को मिल सकती है। लेकिन फ्रेंड्स अभी भी इस बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ नहीं माना जाएगा। फ्रेंड्स अगर यहां पर ब्रेकआउट होता है तो आपको प्राइस यहां तक और यहां तक देखने को मिल सकती है, और अगर मान लीजिए अगर यहां पर प्राइस स्टेबल होती तो यहां पर आप शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री लेकर यहां पर जाकर आप सेल कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आप यहां पर एक नजर डालेंगे तो यहां कहीं मैंने आपको सीबा टोकन के अंदर एंट्री के लिए बोला था, और ये लेवल था यूएसडी के पेयर में 0.4001882 के आसपास का। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं राइट नाउ सीबा टोकन की प्राइस के अंदर एक बहुत बड़ा डंप आता है तो यही एक लेवल बहुत बड़े मेजर सपोर्ट के रूप में काम करेगा। और देखिए फ्रेंड्स अगर आपने इस लेवल पर एंट्री बनाई होती मेरी वीडियो देखकर तो आपको लगभग 86.92% का एक प्रॉफिट होता शॉर्ट टर्म के लिए भी इस गिरते हुए मार्केट के अंदर भी। फ्रेंड्स इसे ही कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं ये जो जोन आप देख रहे हैं ये जोन एक लोकल सपोर्ट के रूप में काम करेगा सीबीआरएम टोकन के लिए। अगर सीबीआरएम टोकन की प्राइस के अंदर डंप आता है, बिटकॉइन के अंदर डंप आता है उस स्थिति में, तो फ्रेंड्स ये जोन दो लेवल से बना हुआ, जिसके अंदर एक लेवल है 0.4022 के आसपास का और एक ऊपर का लेवल है 0.4002353 के आसपास का। और फ्रेंड्स मैंने आपको बता दिया है कि यहां पर तीन बार सपोर्ट ले चुका है सीबीआरएम टोकन और यहां पर तीन बार रेजिस्टेंस भी दिखा चुका है, तो फ्रेंड्स यहां पर ये जो चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है वो यहां पर एक ब्रेकआउट दिखा सकता है। और फ्रेंड्स मैंने आपको सारी बातें बता दी है, और यहां पर एक और बात आप ध्यान में रखिएगा, यहां पर 4 आवर के टाइम फ्रेम पर RSI एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रही है। अगर फ्रेंड्स RSI यहां पर सपोर्ट बनाती है यानी 50 के आसपास सपोर्ट बनाती है तो इस तरह से आपको 70 के आसपास RSI देखने को मिल सकती है, और उसी स्थिति में आपको सीबीआरएम टोकन के प्राइस इस लेवल तक तो देखने को मिल ही सकती है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि आपको यह बात समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको यहां पर INR के पेयर में भी बता देना चाहता हूं, तो देखिएगा कि फ्रेंड्स INR के पेयर में सीबीआरएम टोकन की प्राइस चल रही है 0.2002449 के आसपास। और देखिए अगर ने 6-7 दिन पहले वाली वीडियो देखी होती सीबीआरएम टोकन की तो आपको शॉर्ट टर्म के लिए सीबीआरएम टोकन के अंदर लगभग 14.62% का एक बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट होता। फ्रेंड्स अगर आप प्रूफ के तौर पे देखना चाहते हैं तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, मैं उसी वीडियो की बात कर रहा हूं जिस वीडियो के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि सीबीआरएम टोकन ₹1.16। और फ्रेंड्स यहां पर देखिएगा मैंने आपको ये लेवल बताया था एंट्री का, और ये लेवल था 0.0022 के आसपास का। और फ्रेंड्स जब मैंने आपको बताया था उस टाइम पर तब प्राइस यहां कहीं इस तरह से चल रही थी, और फ्रेंड्स इस तरह से प्राइस ने एक डंप दिखाया और यहां से प्राइस इस तरह से ऊपर भी देखने को मिली, तो फ्रेंड्स आपने इस चीज का फायदा उठाया होगा। अभी मैं आपको बता दूं कि यहां पर INR के पेयर में जो सबसे बड़ा सपोर्ट मिल रहा है सीबीआरएम टोकन को वो इस जोन के अंदर मिल रहा है, और फ्रेंड्स यहां पर इस लेवल के आसपास भी मिल रहा है। ये जो जोन है वो डिमांड जोन, बाइंग जोन, सपोर्ट जोन के रूप में काम कर रहा है प्रेजेंट टाइम पर सीबीआरएम टोकन के लिए। और फ्रेंड्स इस जोन के अंदर दो लेवल है, जिसके अंदर एक नीचे का लेवल है 0.0020 के आसपास का और ऊपर का लेवल है 0.0024 के आसपास का। और देखिएगा मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूं, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री लेना चाहते हैं तो इसी लेवल का आप ध्यान रखें, और फ्रेंड्स यहां पर एंट्री लेकर आप यहां पर जाकर सेल कर सकते हैं। वैसे अगर बात करें प्रेजेंट टाइम पर VPVR इंडिकेटर को लेकर तो यहां इसी लेवल के आसपास सीबीआरएम टोकन को एक सपोर्ट मिल रहा है, जो आप ये डार्क रेड कलर की लाइन देख रहे हैं वहां पर। और फ्रेंड्स यहां पर देखिएगा यहां पर वॉल्यूम अपने को ज्यादा देखने को मिल रहा है, और जहां वॉल्यूम ज्यादा होता है वहां पर सपोर्ट भी ज्यादा होता है। और इस तरह से प्रेजेंट टाइम पर सीबीआरएम टोकन की प्राइस 4 आवर के टाइम फ्रेम पर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न के अंदर मूव कर रही है, और वो भी बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न के अंदर। और फ्रेंड्स अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो प्राइस आपको इस लेवल तक और इस लेवल तक देखने को मिल सकती है। और मैंने आपको जो यहां पर आपको लेवल्स बताए हैं यूएसडी के पेयर में उन लेवल्स का भी आप विशेषकर ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि आपको सारी बातें सीबीआरएम टोकन के बारे में समझ में आ गई होगी। अगर आई है और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने यहां पर आपको मेरी इतनी एनर्जी के साथ में जो चीजें बताई है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही है, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके जरूर बताएं, और उसके साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि वहां पर लगातार अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स अब मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।